यस सर, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ क्योंकि मेरे घर के साइड में परसों एक शादी है और उसका हल्दी जो है वो आज है, तो उन्होंने बहुत ही लाउड स्पीकर वगैरह गाने वगैरह सब चालू किया था, तो उनको जाके थोड़ा रिक्वेस्ट करना पड़ा कि साउंड थोड़ा कम करो। अभी भी आपका आवाज़ सुनाई दिया रहेगा, गाने का आवाज़ सुनाई आता रहेगा। सो उनको थोड़ा रिक्वेस्ट किया कि लेक्चर चालू है अभी, यूट्यूब लाइव चालू होगा। सो उन्होंने थोड़ा साउंड कम किया है, लेकिन उन्होंने बोला कि सर एक सिर्फ 60 मिनट, 1 घंटे के लिए हम लोग सिर्फ साउंड कम करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग बढ़ाएंगे। बोले कि चलेगा, नो प्रॉब्लम। सो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सो इसलिए थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ आज। सो नो प्रॉब्लम, आज हम लोग नोडल एनालिसिस स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले के लेक्चर में, BEE के लेक्चर में मेश एनालिसिस हमने कंप्लीट किया। मेश एनालिसिस में हमने तीन टाइप के प्रॉब्लम्स देखे थे, नो करंट सोर्स, इंडिविजुअल करंट सोर्स एंड कॉमन करंट सोर्स, करेक्ट? सो वो तीन प्रॉब्लम जिसको समझ में आया है वो मेश एनालिसिस का कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकता है। आज हम लोग नोडल एनालिसिस के ऊपर काम करने वाले हैं। नोडल एनालिसिस बेस्ड ऑन KCL, क्रिचॉफ्स करंट लॉ, करेक्ट? KCL। अब व्हाट इज KCL? सम ऑफ इनकमिंग करंट्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स। KCL, सम ऑफ इनकमिंग करंट्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स। ओके, सो ये KCL आपको अच्छे से याद रखना है। चलो फटाफट, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में है, फटाफट सबको ये लेक्चर का लिंक फॉरवर्ड करो। और आज आपका फर्स्ट डे था शायद, कुछ लोगों के कॉलेजेस आज से स्टार्ट हुआ है, 4 नवंबर से स्टार्ट हुआ है। सो कैसा था आपका एक्सपीरियंस, कैसा था? आप लोग कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दे सकते हो। और आपके जो भी कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, जो फ्रेंड्स बनने वाले हैं, उनको भी अपने लेक्चर का लिंक फॉरवर्ड कर दो। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। नोडल एनालिसिस बेस्ड ऑन KCL, क्रिचॉफ्स करंट लॉ, दैट इज सम ऑफ इनकमिंग करंट्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स। ओके, एक एग्जांपल देखते हैं इसका। ट्वेंटी वोल्ट, दिस इज 5 ओम, 6 ओम, 7 ओम, 8 ओम एंड 30 वोल्ट एंड 10 एम्पियर। ओके, और क्वेश्चन है फाइंड फाइंड करंट फ्लोविंग थ्रू 6 ओम रेजिस्टर। ओके, ये आपका क्वेश्चन है, फाइंड करंट फ्लोविंग थ्रू 6 ओम रेजिस्टर। चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। चलो तो क्वेश्चन क्या है, देखो, फाइंड करंट फ्लोविंग थ्रू 6 ओम रेजिस्टर। 6 ओम रेजिस्टर का करंट कैलकुलेट करना है, नोडल एनालिसिस यूज करना है। नोडल दैट इज KCL अप्लाई करने वाला है, क्रिचॉफ्स करंट लॉ। अब मेश एनालिसिस में जैसे हम लोग नंबर ऑफ मेशेस काउंट करते थे, तो सेम वैसे ही यहाँ पर आपको नंबर ऑफ नोड्स काउंट करना है। अब ये नोड का डेफिनेशन क्या है? नोड, इट इज अ पॉइंट एट विच मोर देन टू ब्रांचेस आर कनेक्टेड टू इच अदर। मैंने क्या बोला? मोर देन टू ब्रांचेस आर कनेक्टेड टू इच अदर, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज अ नोड और अ जंक्शन। जैसे कल्याण स्टेशन सबको पता है, कल्याण स्टेशन का नाम कल्याण जंक्शन है। अब उसका नाम कल्याण जंक्शन क्यों हुआ? क्योंकि कल्याण से कसारा, कल्याण से कर्जत और कल्याण से CST, ऐसे टोटल 3 ट्रैक्स वहाँ पर कनेक्टेड है ना। कल्याण स्टेशन पर टोटल 3 ट्रैक्स कनेक्टेड है, मतलब मोर देन 2 ट्रैक्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो इसलिए उस स्टेशन को जंक्शन कहते हैं या फिर नोड कहते हैं, करेक्ट? सो नोड का डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, द पॉइंट एट विच मोर देन 2 ब्रांचेस आर कनेक्टेड टू इच अदर।
तो चेक करो इसमें टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितना है, टोटल नंबर ऑफ नोड्स। इस पॉइंट को मैं नोड बोल सकता हूँ क्या? नहीं बोल सकता। मुझे कितना चाहिए? मोर देन टू ब्रांचेस चाहिए ना। तो इस पॉइंट पर देखो, वन एंड टू, ओनली टू ब्रांचेस कनेक्टेड है। नेक्स्ट, इस पॉइंट पर अगर चेक करोगे, इस पॉइंट पर, तो वन टू एंड थ्री, मोर देन टू ब्रांचेस कनेक्टेड है। तो ये हो गया अपना फर्स्ट नोड। सेम वैसे इस पॉइंट पर भी देखो, वन टू एंड थ्री, मोर देन टू ब्रांचेस आर कनेक्टेड टू इच अदर। सो इसको भी मैं नोड बोल सकता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाओ, वन टू, ओनली टू ब्रांचेस आर कनेक्टेड टू इच अदर, सो इसको मैं नोड नहीं बोल सकता। नेक्स्ट, ये वाला पॉइंट नोड होगा क्या? नहीं। नेक्स्ट, ये वाला पॉइंट नोड है? यस। वन टू एंड थ्री, टोटल थ्री ब्रांचेस आर कनेक्टेड टू इच अदर, दिस इज ऑल्सो नोड। वन टू थ्री, मोर देन टू ब्रांचेस कनेक्टेड है, नोड हो गया वो। इसको मैं नोड बोल सकता हूँ क्या? बिल्कुल नहीं। सो टोटल नंबर ऑफ नोड्स अगर काउंट करोगे तो कितना आएगा? देखो, वन टू थ्री एंड फोर, करेक्ट। टोटल फोर नोड्स यहाँ पर प्रेजेंट है। नेक्स्ट, अब नोड्स कैलकुलेट करने के बाद चेक करने का इसमें से इक्विपोटेंशियल नोड्स कितने हैं। अभी इक्विपोटेंशियल नोड्स मतलब एग्जैक्टली क्या? इक्विपोटेंशियल नोड्स मतलब ऐसे दो नोड्स जिनके बीच में कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं है। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट मतलब कोई भी रेजिस्टर नहीं है, करंट सोर्स नहीं है, वोल्टेज सोर्स नहीं है, कोई भी कंपोनेंट नहीं है। सो ऐसे दो नोड्स को हम लोग इक्विपोटेंशियल नोड्स कहते हैं। जैसे कि यहां पर देखो, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों के बीच में रजिस्टर है, इक्विपोटेंशियल होगा वो? नहीं। सेकेंड एंड थर्ड, ये दोनों के बीच में देखो करंट सोर्स प्रेजेंट है, इस ब्रांच में अगर देखोगे तो वोल्टेज सोर्स है, रेजिस्टर है। सो इसका मतलब नोड टू एंड नोड थ्री इक्विपोटेंशियल नोड्स नहीं है। नेक्स्ट, नोड थ्री एंड फोर में चेक करो, नोड थ्री एंड फोर दोनों के बीच में ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन उस ब्रांच में एक भी कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं है, रेजिस्टर नहीं है, इंडक्टर, कैपेसिटर, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स कुछ भी नहीं है। सो नोड थ्री एंड नोड फोर ये दोनों क्या हो गए फिर? इक्विपोटेंशियल नोड हो गए। इक्विपोटेंशियल नोड मतलब दोनों का पोटेंशियल सेम है। अब नाम से ही पता चल रहा है दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो दो अलग अलग नोड क्यों कंसीडर करेंगे? वहां पर हम लोग सिंगल नोड कंसीडर करेंगे, करेक्ट। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, देखो इस नोड को, इस ब्रांच को यहां से मैं निकाल रहा हूं, है ना, 10 एम्पियर का ये जो ब्रांच है ना, इस ब्रांच को मैंने यहां से निकाल दिया और यहां पर कनेक्ट किया। कर सकते हो ऐसा? अब अगर ऐसा करता हो तो बताओ ये अब नोड रहेगा क्या? नहीं, अब ये नोड नहीं रहेगा, करेक्ट। अब ये नोड नहीं रहेगा। अब नंबर ऑफ नोड्स काउंट करो कितना है? वन टू एंड थ्री, ओनली थ्री नोड्स प्रेजेंट है, समझा? देखो सिंपल सा लॉजिक है, जितने कम नोड्स रहेंगे उतना कम कैलकुलेशन रहेगा, जितने ज्यादा नोड्स रहेंगे उतना ज्यादा कैलकुलेशन रहेगा। सो नोडल एनालिसिस में सबसे पहले आपको नंबर ऑफ नोड्स काउंट करना है, नंबर ऑफ नोड्स काउंट करने के बाद इक्विपोटेंशियल नोड्स ढूंढना है, इक्विपोटेंशियल नोड्स, और वहां पर आपको सिंगल नोड कंसीडर करना है, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है इक्वल पोटेंशियल है, सेम पोटेंशियल है, अलग अलग नोड कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आपके घर में देखो, अगर आपको मोबाइल चार्जिंग के लिए लगाना है और आप किचन में काम कर रहे हो, तो किचन में जो सॉकेट रहता है वहां पर आप मोबाइल चार्जिंग के लिए लगा सकते हो। फिर किचन में जो काम है वो कंप्लीट होने के बाद आप बेडरूम में गए, सो बेडरूम में भी सॉकेट रहेगा, वहां पर भी आप मोबाइल चार्जिंग के लिए लगा सकते हो। अगर आपको हॉल में कुछ काम है, हॉल में मोबाइल चार्जिंग को लगा सकते हो। मतलब आप घर में कहीं पर भी जाओ, सभी सॉकेट में आपको इक्वल सेम पोटेंशियल मिलेगा। मतलब अपने घर में जितने भी सॉकेट्स हैं वो सब कैसे हैं? इक्विपोटेंशियल है। तो मुझे बताओ, हम लोग क्या अलग अलग सॉकेट के लिए अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं क्या? हाँ, किचन का जो सॉकेट है वहाँ का अलग इलेक्ट्रिसिटी बिल, हॉल का अलग इलेक्ट्रिसिटी बिल, या फिर बेडरूम का अलग, ऐसा कुछ नहीं रहता। हमारे पूरे घर का सेम एक ही इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, बरा, करेक्ट। सो इसका मतलब अपने घर में जितने भी नोड्स है वो सब कैसे हैं? इक्विपोटेंशियल नोड्स है, बरा। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं। सो नंबर ऑफ नोड्स हो गया वन टू एंड थ्री, पहले फोर था, इक्विपोटेंशियल नोड्स है, अब नंबर ऑफ नोड्स कितना हो गया? थ्री नोड्स हो गया। अब ये थ्री नोड्स में से एक नोड आपको एज ए रेफरेंस नोड कंसीडर करना है, एक नोड एज ए रेफरेंस नोड। अब देखो, कॉलेज में आपका BEE का प्रैक्टिकल स्टार्ट हुआ रहेगा, स्टार्ट होगा, आज तो आपका फर्स्ट डे था। अरे आपने कुछ कमेंट बॉक्स में रिप्लाई नहीं दिया, आपका आज का फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस कैसा था? कमेंट सेक्शन में आप लोग रिप्लाई दे सकते हो। अगर आपका कॉलेज आज स्टार्ट हुआ है तो आज आपका एक्सपीरियंस कैसा था, कैसा लगा आपको कॉलेज में जाके? सो उसका
वो आप लोग कमेंट सेक्शन में आप रिप्लाई दे सकते हो। सो नेक्स्ट, सो प्रैक्टिकल की बात कर रहे थे हम लोग। BEE का जो प्रैक्टिकल आपका रहेगा, तब तो वहां पर आप लोग मल्टीमीटर यूज करोगे। मल्टीमीटर ऐसा दिखने में रहेगा, यहाँ पर एक सॉकेट रहेगा, जॉकी रहेगा, जिसको आप लोग रोटेट करोगे। मीन्स मल्टीमीटर एज अ वोल्ट मीटर यूज कर सकते हो, एमीटर या फिर ओम मीटर यूज कर सकते हो। यहाँ पर अगर V लिखा है और यहाँ पर I लिखा रहता है, अगर आपने ये सॉकेट V पर सेट किया है, मतलब ये मल्टीमीटर आप लोग एज अ वोल्ट मीटर यूज कर रहे हो। अगर आपने इसको I पर सेट किया, तो ये मल्टीमीटर आप लोग एज अ एमीटर यूज कर रहे हो। अब मल्टीमीटर में दो प्रोब्स होते हैं, दो वायर्स होते हैं। ओके, अब दोनों में से एक वायर जो है एक रेड कलर का होता है और एक ब्लैक कलर का होता है। एक रेड कलर का होगा और एक ब्लैक कलर का होगा। आपको फर्स्ट नोड का पोटेंशियल चेक करना है, पोटेंशियल दैट इज वोल्टेज मेजर करना है। तो आप लोग मल्टीमीटर एज अ वोल्ट मीटर सेट करोगे, करेक्ट? मल्टीमीटर एज अ वोल्ट मीटर, वोल्टेज मेजर करना है। अब आपने क्या किया, इस रेड कलर के वायर को लिया और यहां पर कनेक्ट किया, नोड वन पर कनेक्ट किया, और ये ब्लैक कलर का जो वायर है ना, वो आपने अपने जेब में रखा, ऐसा जेब में रख दिया। तो मुझे बताओ, आपको रीडिंग मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। अरे, ये ब्लैक कलर का वायर तूने जेब में रखा है ना, तुझे यहाँ पर रीडिंग कैसे मिलेगा? तूने रेड कलर का प्रोब यहाँ पर कनेक्ट किया, नोड वन का तुझे वोल्टेज मेजर करना है, लेकिन ब्लैक कलर का जो प्रोब है, जो तूने जेब में रखा था, वो भी तो कहीं पर तो कनेक्ट करना पड़ेगा तुझे। तो कहाँ पर कनेक्ट करेंगे? मेरे पास ये दो ऑप्शंस है ना, और मेरे पास टोटल 3 नोड्स है। उसमें से फर्स्ट नोड को मैंने रेड कलर का प्रोब कनेक्ट किया है। ब्लैक कलर का प्रोब कनेक्ट करने के लिए मेरे पास दो ऑप्शंस है, एक तो नोड 2 या फिर नोड 3। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर नोड 3 को ये ब्लैक कलर का प्रोब कनेक्ट कर रहा हूँ। अब जैसे ही मैं ये ब्लैक कलर का प्रोब नोड 3 को कनेक्ट करूंगा, वो नोड क्या बन जाएगा? ग्राउंड बन जाएगा, रेफरेंस नोड बन जाएगा, रेफरेंस। क्योंकि ब्लैक कलर का प्रोब जहां पर कनेक्ट किया रहता है ना, वहां पर ऐसा सिंबल रहेगा, देखो, रेफरेंस ग्राउंड का सिंबल रहेगा। समझा? मतलब आप लोग क्या कर रहे हो, इस नोड का पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हो, नोड 1 का विथ रिस्पेक्ट टू नोड 3, करेक्ट? तो ब्लैक कलर का प्रोब आप लोग जहां पर कनेक्ट करोगे, वो ऑटोमेटिकली क्या बनने वाला है? रेफरेंस नोड बनने वाला है। इसका मतलब नोडल एनालिसिस में आपके पास जितने भी नोड्स है, उसमें से 1 नोड आपको रेफरेंस नोड कंसीडर करना है। सपोज आपके पास 100 नोड्स है, रेफरेंस कितना रहेगा? 1, और बाकी 99 नोड्स का आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। सपोज आपके पास 10 नोड्स है, आपके सर्किट में 10 नोड्स है, सो 10 में से रेफरेंस कितना रहेगा? 1, बाकी 9 नोड का आपको वोल्टेज कैलकुलेट करना है। सपोज 5 नोड्स है, 5 में से रेफरेंस कितना? 1, बाकी 4 नोड का आपको वोल्टेज कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो सेम चीज यहां पर देखो, मेरे पास टोटल 3 नोड्स है, 3 में से एक नोड मैंने क्या किया? रेफरेंस नोड कंसीडर किया, रेफरेंस। ओके, उसको ग्राउंड नोड भी बोल सकते हो, और इसको रेफरेंस लिया, तो बाकी 2 नोड का मुझे वोल्टेज कैलकुलेट करना है। एक बात हमेशा याद रखो, मेश एनालिसिस में हम लोग मेश करंट कैलकुलेट करते हैं, एंड नोडल एनालिसिस में हम लोग नोड वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं। ये पॉइंट हमेशा अपने दिमाग में रखो, मेश एनालिसिस में मेश करंट एंड नोडल एनालिसिस में नोड वोल्टेज। ओके, तो यहां पर 3 नोड में से एक तो मैंने रेफरेंस लिया। अब रेफरेंस नोड का पोटेंशियल कितना होता है, ग्राउंड का पोटेंशियल कितना होता है? 0, ग्राउंड पोटेंशियल 0 होता है, करेक्ट? सो मुझे बाकी 2 नोड का वोल्टेज कैलकुलेट करना है, V1 एंड V2, और उसके लिए मुझे यहां पर KCL अप्लाई करना है। चलो फिर स्टार्ट करता है। सो आई होप यहां तक समझा रहेगा सबको। फटाफट रिप्लाई चाहिए मुझे, चैट बॉक्स में रिप्लाई चाहिए। यहां तक समझा सबको? सो मेरे पास जितने नोड्स है, उसमें से इक्विपोटेंशियल नोड्स चेक किया कितना है, फिर उसके बाद चेक किया इसमें से रेफरेंस नोड किसको लेना है, इक्विपोटेंशियल नोड। तो टोटल 4 नोड्स था, 4 में से थर्ड एंड फोर्थ इक्विपोटेंशियल सिंगल नोड लिया, फिर 3 नोड्स बच गया ना, 3 में से एक को मैंने रेफरेंस लिया, बाकी 2 का मुझे वोल्टेज कैलकुलेट करना है। चलो फटाफट रिप्लाई चाहिए। यस, प्रज्वल ने कुछ तो रिप्लाई दिया है। सर, डिस्क्रिप्शन में लेक्चर 6 लिखा है, पर चैनल पे मुझे लेक्चर 1 2 3 4 तो नहीं दिख रहा है। अरे, इसके पहले जो लेक्चर हुआ है, इसके पहले एक्चुअली ये मैकेनिक्स ये सब पकड़ के है,
अपना एक्चुअली इसके पहले दो लेक्चर्स हुआ है BEE का, ओके चलो आगे बढ़ते हैं फिर। प्रज्वल ये समझा यहाँ तक? अभिषेक, सो नंबर ऑफ नोड्स देखो, 1, 2, 3, थर्ड वाला रेफरेंस नोड है, बाकी दो नोड को मुझे KCL अप्लाई करना है। सो नोड वन से बताओ टोटल कितने ब्रांचेस पास हो रहे हैं? 3 ब्रांचेस पास हो रहे हैं, 3। सो 3 करंट एज्यूम करेंगे, I1, I2 एंड I3, ऐसे 3 करंट्स मैंने यहां पर एज्यूम किए और तीनों का डायरेक्शन मैंने आउटगोइंग एज्यूम किया है, आउटगोइंग। सो यहां पर KCL अप्लाई करते हैं, KCL एट नोड V1, KCL सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। सो एज्यूम करो आप सब लोग नोड वन पर खड़े हो, नोड वन पर, तो बताओ नोड वन पर खड़े हो तो I1, I2, I3 ये तीनों में से कौन इनकमिंग है और कौन आउटगोइंग है? अच्छे से देखो, यहां पर I1 आउटगोइंग है, I2 ऑल्सो आउटगोइंग, I3 ऑल्सो आउटगोइंग, सभी के सभी आपको आउटगोइंग करंट से एज्यूम करने हैं। इनकमिंग करंट आपको कभी मिलने ही वाला नहीं है क्योंकि आप लोग एज्यूम ही नहीं करोगे, करेक्ट? तो आपको यहां पर आउटगोइंग करंट से एज्यूम करना है, I1, I2 एंड I3। तो इक्वेशन क्या आएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल्स टू 0। I1 प्लस I2 प्लस I3 मतलब क्या मिल गया आपको? सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स मिल गया। इनकमिंग करंट आपको एज्यूम करना है क्या? बिल्कुल नहीं। सो इनकमिंग करंट यहां पर क्या है? 0। सो I1 प्लस I2 प्लस I3 सम ऑफ आउटगोइंग करंट इक्वल्स टू सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू 0, करेक्ट? यस अभिषेक, अच्छा था सर, फर्स्ट डे ओरिएंटेशन नहीं लिए, मैकेनिक्स में रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का थोड़ा इंट्रो दिया। अरे वाह, गुड, एक्सेलेंट। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सो I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। सो I1 बताओ, मुझे बताओ ये आगे का कैलकुलेशन करने के लिए दो स्टेटमेंट याद रखना है। मुझे बताओ ये करंट हमेशा कैसे फ्लो होता है? करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, करेक्ट? मैंने क्या बोला, इंपॉर्टेंट नोट, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ओके, मतलब करंट अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट जा रहा है, मतलब ए पॉइंट हायर पोटेंशियल, बी पॉइंट लोअर पोटेंशियल, करंट के डायरेक्शन से आप लोग डिसाइड कर सकते हो हायर पोटेंशियल कौन है और लोअर पोटेंशियल कौन है, करेक्ट? नेक्स्ट, तो बताओ I1 करंट जो है, जो कि इस 5 ओम और 20 वोल्ट वाले ब्रांच में से फ्लो रहा है, मुझे बताओ ये I1 कहां से कहां जा रहा है? V1 से VG जा रहा है या VG से V1 जा रहा है? यस, ये I1 करंट कैसे जा रहा है? V1 से VG। तो V1 हायर पोटेंशियल हो गया ना, एंड VG लोअर पोटेंशियल। अभी तो हमने डिस्कस किया करंट हमेशा कैसे फ्लो होता है, हायर टू लोअर। सो अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ I1, V1 इज हायर पोटेंशियल, VG इज लोअर पोटेंशियल। सो I1 इज इक्वल्स टू क्या आएगा फिर? करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, करेक्ट? मैंने क्या बोला, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ हुआ ना ये तो, करेक्ट? इसको हम लोग ओम्स लॉ कहते हैं, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। तो बताओ I1 का डायरेक्शन V1 टू VG है, V1 हायर पोटेंशियल है, VG लोअर पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस कैलकुलेट करना है मतलब सब्ट्रैक्शन करना है। सपोज मेरे पास 15 रुपया है, तुम लोग के पास 10 रुपया है, तो डिफरेंस कितने का हुआ? 5 रुपये का हुआ। अब इसके लिए आपने क्या किया, 15 माइनस 10 किया, बचपन से हमें सिखाया गया डिफरेंस कैलकुलेट करना है मतलब हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू करना है। तो सेम वैसे ही मुझे बताओ यहाँ पर करंट I1 का डायरेक्शन V1 टू VG है, V1 हायर पोटेंशियल, VG लोअर पोटेंशियल, तो डिफरेंस क्या आएगा? V1 माइनस VG, करेक्ट? V1 माइनस VG। अब चेक करो दोनों के बीच में और कोई वोल्टेज है क्या? ये दोनों वोल्टेजेस है ना, तो दोनों के बीच में और कोई वोल्टेज है क्या? यस, वोल्टेज है, कौन? 20 वोल्ट। अब I1 के डायरेक्शन के हिसाब से बताओ ये 20 वोल्ट
राइज इन पोटेंशियल है या फॉल इन पोटेंशियल है। आई वन देखो ना, प्लस टू माइनस जा रहा है ना, प्लस टू माइनस मतलब ये क्या होगा, फॉल इन पोटेंशियल। सो ये माइनस 20 लेना है। सो वी वन माइनस वी जी माइनस 20 डिवाइड बाय क्या आएगा, डिवाइड बाय 5। ओके सॉरी, डिवाइड बाय क्या आएगा, 5। सो वी जी का वैल्यू कितना है, जीरो, ग्राउंड पोटेंशियल जीरो है। सो वी वन माइनस 20 डिवाइड बाय क्या आएगा, 5 आएगा। चलो नहीं समझा है, आपके पास और एक चांस है। अब बताओ आई टू इज इक्वल्स टू क्या आएगा, I2 का डायरेक्शन कैसा है, V1 टू VG या VG टू V1? यस, V1 टू VG। सो V1 हायर पोटेंशियल, VG लोअर पोटेंशियल, तो डिफरेंस क्या आएगा, V1 माइनस VG डिवाइड बाय 6, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। और चेक करो V1 एंड VG दोनों के बीच में, देखो इस ब्रांच में कोई वोल्टेज सोर्स है क्या, नहीं है। अब नहीं है तो बस V1 एंड VG आएगा फिर। अब VG का वैल्यू तो जीरो है, तो ये क्या आएगा, V1 अपॉन 6। सिमिलरली I3 का डायरेक्शन बताओ कैसा है, V1 टू V2, सो V1 हायर पोटेंशियल, V2 लोअर पोटेंशियल, सो I3 इज इक्वल्स टू क्या आएगा फिर, V1 माइनस V2 डिवाइड बाय 7, है ना। I3 का डायरेक्शन कैसा है, V1 टू V2, V1 हायर पोटेंशियल, V2 लोअर पोटेंशियल, सो V1 माइनस V2 डिवाइड बाय 7, दोनों के बीच में और कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है। चलो नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं। I1, I2, I3 तीनों वैल्यूज मिल गया, अब इस इक्वेशन में लिखो फिर। सो इक्वेशन क्या आएगा फिर, V1 माइनस 20 डिवाइड बाय 5 प्लस V1 डिवाइड बाय 6 प्लस V1 माइनस V2 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल्स टू जीरो ना, इज इक्वल्स टू जीरो, करेक्ट। चलो यहां तक समझा सबका। करेक्ट, यहां तक इक्वेशन अपना कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद मुझे बताओ a माइनस बी अपॉन सी, इसको मैं a अपॉन सी माइनस बी अपॉन सी ऐसा लिख सकता हूँ? यस, लिख सकता हूँ। मैथमेटिक्स में हम लोग ऐसा कर सकते हैं ना, a माइनस बी अपॉन सी इज इक्वल्स टू a अपॉन सी माइनस बी अपॉन सी, न्यूमरेटर को मैंने सेपरेट किया, तो सेम वही आपको यहाँ पर करना है। करेक्ट, सो इक्वेशन कैसा आएगा देखो यहाँ पर, इक्वेशन कैसा आएगा, इसको अगर सेपरेट करेंगे तो V1 अपॉन 5 माइनस 20 अपॉन 5, करेक्ट, प्लस यहां पर क्या आएगा, V1 अपॉन 6 प्लस यहां पर क्या आएगा, V1 अपॉन 7 माइनस V2 अपॉन 7 इज इक्वल्स टू जीरो, करेक्ट। नेक्स्ट, अब V1 वाले टर्म्स देखो कौन कौन है, 1 अपॉन 5, 1 अपॉन 6, 1 अपॉन 7, तीनों में देखो V1 कॉमन है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 1 डिवाइड बाय 5 प्लस 1 डिवाइड बाय 6 प्लस 1 डिवाइड बाय 7 इंटू V1 माइनस 1 डिवाइड बाय 7 V2, और ये 20 अपॉन 5 राइट साइड शिफ्ट करेंगे प्लस हो जाएगा। अब 20 अपॉन 5 आप लोग 4 भी लिख सकते हो वहां पर, करेक्ट, 4 भी लिख सकते हैं। सो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, फर्स्ट इक्वेशन अपना कंप्लीट हुआ। अब दो अननोन वैल्यूज है ना, V1 V2, मतलब इक्वेशंस भी दो लगेगा। अब सेकंड इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन के लिए नोड 2 को कैसे अप्लाई करेंगे, मेरे पास और एक नोड है ना V2, करेक्ट। सो ये कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट हेडिंग देते हैं, KCL एट V2। अब बताओ नोड 2 से कितने ब्रांचेस पास हो रहे हैं, 1 2 3, टोटल 3 ब्रांचेस पास हो रहे हैं। सो 3 करंट्स एज्यूम करेंगे, I4, I5 एंड I6, तीनों का डायरेक्शन कैसा लेंगे, आउटगोइंग लेंगे, अवे फ्रॉम द नोड। सो कैसे अप्लाई करो फिर, I4 प्लस I5 प्लस I6, KCL at V2 बोला है ना, तो चेक करो ना नोड 2 पर 1 2 3, 3 ब्रांचेस कनेक्टेड है और 3 करंट्स मैंने एज्यूम किया है, I4 I5 I6, करेक्ट। इमेजिन करो आप सब लोग नोड V2 पर खड़े हो,
तो i4, i5, i6 तीनों का डायरेक्शन कैसा है? आउटगोइंग है, इनकमिंग कभी एज्यूम करना ही नहीं है. सो इक्वल्स टू हमेशा क्या आने वाला है? जीरो ही आने वाला है. क्लियर? अब यहां पर देखो, i1, i2, i3 ये तीन करंट का रोल खत्म हो गया है. सो वो पिक्चर में अभी नहीं है, उनका रोल खत्म हो गया. अभी आपके पिक्चर में कौन है? i4, i5, i6. आप लोग यहां पर जो KCL अप्लाई कर रहे हो वो 1 by 1 अप्लाई कर रहे हो. KCL एट नोड 1, देन KCL एट नोड 2, और एक नोड रहेगा तो KCL एट नोड 3. ऐसे 1 by 1 अप्लाई कर रहे हो, साइमल्टेनियसली नहीं. तो यहां पर ये i1, i2, i3 जब एग्जिस्ट कर रहे थे, तब i4, i5, i6 ये एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे. समझ में आ रहा है? फिर जब i4, i5, i6 एग्जिस्ट कर रहे हैं, तब i1, i2, i3 अब एग्जिस्ट नहीं कर रहे, वो गए, अब उनका रोल खत्म हो गया. समझा? नेक्स्ट, तो i4 प्लस i5 प्लस i6 इज इक्वल टू 0. तो बताओ फिर i4 का डायरेक्शन कैसा है? v2 टू v1. सो v2 हायर पोटेंशियल हो गया, v1 लोअर पोटेंशियल हो गया. तो इक्वेशन क्या आएगा? v2 माइनस v1 डिवाइड बाय क्या? 7. करेक्ट? फिर उसके बाद यहां पर आ जाओ i5. यहां पर क्या करेंगे? v2 माइनस vg प्लस 10 या माइनस 10. अब यहां पर देखो, ओम्स लॉ, केवीएल, केसीएल कुछ नहीं आएगा. यहां पर करंट सोर्स है. मैक्सिमम लोग है ना, करंट सोर्स आने के बाद थोड़ा टेंशन में आते हैं. उनको लगता है कि अरे करंट सोर्स आ गया, अपना दुश्मन आ गया. एक्चुअली ये करंट सोर्स आपका दुश्मन नहीं है, ये आपका बहुत अच्छा दोस्त है. करंट सोर्स आने से आपका प्रॉब्लम ईजी होता है, ये बात हमेशा याद रखो. करंट सोर्स आने से आपका प्रॉब्लम ईजी होता है. यहां पर मुझे बताओ i5 का डायरेक्शन कैसा है? डाउनवर्ड्स है. i5 जिस ब्रांच में से जा रहा है उस ब्रांच में ऑलरेडी करंट सोर्स है. जैसे कि देखो यहां पर मेरे क्वेश्चन का आंसर दो. i, फाइंड i. i का आंसर क्या होगा? i मतलब करंट कैलकुलेट करना है. सो i इज इक्वल टू कितना आएगा? 10 एम्पियर आएगा. करेक्ट? अब बताओ i इज इक्वल टू कितना आएगा? -10 एम्पियर, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है नेगेटिव, सेम डायरेक्शन है पॉजिटिव. अब बताओ यहां पर आपने कोई लॉ अप्लाई किया? केवीएल, केसीएल, ओम्स लॉ, या फिर और कोई फेराडेज लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, ऐसा कुछ लॉ वगैरह अप्लाई किया? बिल्कुल नहीं. यहां पर आपने कॉमन सेंस यूज किया, थोड़ा सा दिमाग लगाया. करंट सोर्स प्रेजेंट है, करंट कैलकुलेट करना है, बस डायरेक्शन चेक करो. सेम है तो प्लस, अपोजिट है तो माइनस. तो सेम यही कॉमन सेंस आपको यहां पर यूज करना है. बताओ ना, i5 जिस ब्रांच में से जा रहा है उस ब्रांच में ऑलरेडी करंट सोर्स है. i5 का डायरेक्शन करंट सोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है. अपोजिट है मतलब i5 इज इक्वल टू क्या आएगा? -10. सेम डायरेक्शन होता अगर करंट सोर्स डाउनवर्ड्स होता, i5 का डायरेक्शन करंट सोर्स से मैच होता, तो यहां पर +10 आता. समझा? यस और नो? फटाफट रिप्लाई चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में. अरे राज, हम लोग ठाणे से है, तू कहां से है? राज, हम लोग ठाणे से, मुंबई यूनिवर्सिटी से है. फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का ये लेक्चर चालू है. आप कहां से हो राज? चलो आगे बढ़ते हैं फिर. देन i6 बताओ, i6 का डायरेक्शन कैसा है? v2 टू vg. सो v2 इज हायर पोटेंशियल, vg इज लोअर पोटेंशियल. करेक्ट? तो डिफरेंस क्या आएगा? v2 माइनस vg +30 या -30? -30, क्योंकि करंट का डायरेक्शन कैसा है? +2 - फॉल इन पोटेंशियल आएगा. सॉरी. सो v2 -30 डिवाइड बाय क्या आएगा? 8 इज इक्वल्स टू 0. है ना? इक्वेशन एक बार अच्छे से देखो. v2 माइनस vg -30. -30 क्यों? क्योंकि +2 - जा रहे हैं, फॉल इन पोटेंशियल आएगा. एंड डिवाइड बाय क्या आएगा? 8. एंड vg का वैल्यू वैसे भी 0 है. सो v2 -30 डिवाइड बाय 8. समझा यहां तक? चलो नेक्स्ट, आगे बढ़ते फिर. सो यहां पर भी न्यूमरेटर को सेपरेट करते हैं. सो v2 अपॉन 7 माइनस v1 अपॉन 7 माइनस 10 प्लस v2 अपॉन 8 माइनस 30 अपॉन 8 इज इक्वल्स टू 0. नेक्स्ट, अब v1 का टर्म देखो. -1/7 v1 प्लस 1/7 प्लस 1/8 v2. ओके? अब ये -10 राइट साइड जाएगा, प्लस हो जाएगा. -30/8 राइट साइड जाएगा, +30/8 हो जाएगा. करेक्ट?
सो यहाँ पर देखो माइनस वन अपॉन सेवन वी वन, इसमें और इसमें वी टू कॉमन है, तो वन अपॉन सेवन वन अपॉन एट वी टू कॉमन लिया मैंने, और ये बन गया अपना इक्वेशन नंबर टू। अब देखो दो इक्वेशंस है, दो अननोन वैल्यूज है, कैलकुलेटर में सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर कैलकुलेटर कैसे यूज़ करना है, देखो कैलकुलेटर कैसे यूज़ करना है। कैलकुलेटर ऑन करने के बाद इक्वेशन मोड, कैलकुलेटर ऑन करने के बाद सबसे पहले मोड बटन प्रेस करो, मोड। मोड बटन प्रेस करने के बाद इक्वेशन के लिए EQN के लिए नंबर क्या दिया है, 5, 5 प्रेस किया। फिर उसमें फर्स्ट नंबर देखो ANX प्लस BNY इज इक्वल्स टू CN, साइमल्टेनियस इक्वेशन है, टू अननोन वैल्यूज है, सो वन नंबर प्रेस किया। अब इसमें टू रोज थ्री कॉलम्स है, एक मैट्रिक्स ओपन हो गया जिसमें टू रोज एंड थ्री कॉलम्स है। अब उसमें से फर्स्ट वैल्यू आपको क्या पुट करना है, देखो ये 1/5 प्लस 1/6 प्लस 1/7। मुझे एक बात बताओ, ये 1/5 जो है ना, 1/5 इसको मैं 5 इनवर्स ऐसा लिख सकता हूँ, प्लस प्लस 1/6 को मैं 6 इनवर्स ऐसा लिख सकता हूँ, प्लस 1/7 को मैं 7 इनवर्स ऐसा लिख सकता हूँ, करेक्ट। सो क्या करने का, देखो 5 इनवर्स, इनवर्स के लिए देखो यहां पर मोड बटन है ना, उसके नीचे ही x^-1 का बटन है, x^-1 वो बटन प्रेस करो। सो 5 इनवर्स आ गया, प्लस 6 इनवर्स प्लस 7 इनवर्स आ गया, इक्वल बटन प्रेस करो, सेकेंड कॉलम में जाओगे आप। अब यहां पर क्या है, -1/7 ना, मतलब क्या टाइप करोगे, -7 इनवर्स। सो -7 इनवर्स, इक्वल बटन प्रेस किया, नेक्स्ट कॉलम में आ जाओ, 20/5, सो 20/5 इक्वल बटन प्रेस किया, सेकेंड रो में आ गया मैं। अब सेकेंड रो में -7 इनवर्स है ना, -7 इनवर्स इक्वल, यहां पर क्या लिखेंगे, 7 इनवर्स प्लस 8 इनवर्स, 7 इनवर्स प्लस 8 इनवर्स इक्वल बटन प्रेस किया। एंड लास्ट में 10 प्लस इन ब्रैकेट 30/8 को ब्रैकेट के अंदर लिखो, सो 10 प्लस इन ब्रैकेट 30/8 ब्रैकेट क्लोज इक्वल, करेक्ट, अगेन इक्वल बटन प्रेस करो। सो फर्स्ट आंसर x इज इक्वल्स टू मिला 340/13। तो यहां पर मुझे फ्रैक्शन में आंसर चाहिए, तो क्या करेंगे, S2D बटन प्रेस करेंगे, ये जो डिलीट बटन है ना उसके ऊपर है, देखो डिलीट बटन के ऊपर S2D। सो आंसर आ गया 26.15, करेक्ट, आंसर आ गया 26.15। सो V1 इज इक्वल्स टू 26.15 वोल्ट्स। चलो फर्स्ट आंसर मिल गया, अगेन इक्वल बटन प्रेस करो, S2D बटन प्रेस करो, 65.28, V2 इज इक्वल्स टू 65.28 वोल्ट्स, ये मिल गया मुझे V2, सेकेंड नोड वोल्टेज मिल गया। चलो फटाफट रिप्लाई चाहिए मुझे, कमेंट बॉक्स में फटाफट रिप्लाई चाहिए, समझा सबको, यस और नो, V1, V2 टू नोड वोल्टेजेस कैलकुलेट किया। अब इसके बाद अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अपना क्वेश्चन क्या है, फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू 6 ओम रेजिस्टर। अब ये 6 ओम रेजिस्टर में से कौन सा करंट फ्लो रहा है, 6 ओम रेजिस्टर में से करंट कौन सा फ्लो रहा है, I2 करंट फ्लो रहा है, I2, करेक्ट। एंड I2 का इक्वेशन हमने क्या लिया था, I2 का इक्वेशन लिया था हमने V1 अपॉन 6 लिया था, है ना, V1 माइनस VG अपॉन 6, VG 0, सो V1 अपॉन 6, V1 डिवाइड बाय 6, एंड V1 का वैल्यू कितना है, 26.15। सो बताओ ना, 26.15 डिवाइड बाय 6, सो करंट फ्लोइंग थ्रू 6 ओम रेजिस्टर इज इक्वल्स टू 26.15 डिवाइड बाय 6, सो आंसर आएगा 4.35 एम्पियर्स। अब करंट कैलकुलेट करने के लिए बोला है, मतलब डायरेक्शन तो दिखाना पड़ेगा, करेक्ट, और बिल्कुल दिमाग नहीं लगाने का, डायग्राम में देखने का, डायग्राम में देखो 6 ओम रेजिस्टर में से I2 जो करंट जा रहा है वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, डाउनवर्ड्स,
ऊपर से नीचे जा रहे, डाउनवर्ड्स डायरेक्शन। सो फाइनल आंसर क्या आ गया, डायरेक्शन मेंशन करना है आपको। ओके सो यहां पर देखो, सॉरी, करंट फ्लोविंग थ्रू 6 ओम रेजिस्टर कैलकुलेट करने के लिए बोला था। नोड एनालिसिस मैंने यूज किया है, नंबर ऑफ नोड्स पहले 4 था, 1, 2, 3 एंड 4, उसमें से थर्ड एंड फोर्थ इक्विपोटेंशियल नोड, इक्विपोटेंशियल सेम पोटेंशियल, तो सिंगल नोड मैंने कंसीडर किया। सो 1, 2, 3 नोड्स बच गया, जितने कम नोड उतना कम कैलकुलेशन, जितने ज्यादा नोड्स उतना ज्यादा कैलकुलेशन, करेक्ट। सो नंबर ऑफ नोड्स 3 हो गया, 3 में से एक नोड रेफरेंस एज्यूम किया, बचे बाकी दो नोड्स का मैंने पोटेंशियल कैलकुलेट किया, दैट इज वोल्टेज कैलकुलेट किया। नोड एनालिसिस में हम लोग नोड वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं, मेश एनालिसिस में हम लोग मेश करंट कैलकुलेट करते हैं, समझा। एंड वन बाय वन मैंने केसीएल अप्लाई किया, पहले नोड 1 को अप्लाई किया, फिर नोड 2 को अप्लाई किया, करेक्ट। नोड 1 को जब केसीएल अप्लाई किया तब जितने भी ब्रांचेस थे उसमें से जो करंट मैंने एज्यूम किया वो आउटगोइंग एज्यूम किया, फिर नोड 2 पर मैंने जब करंट एज्यूम किया तब वहां पर भी आउटगोइंग करंट एज्यूम किया, और जब I1, I2, I3 ये तीन करंट्स एग्जिस्ट कर रहे थे तब I4, I5, I6 नहीं थे, और जब I4, I5, I6 लिया तब I1, I2, I3 वहां पर एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, समझ में आ रहा है। एंड देन ये वाला भी कंसेप्ट अच्छे से देखो, करंट सोर्स प्रेजेंट था तो कोई लॉ वगैरह अप्लाई नहीं करना है, बस करंट का डायरेक्शन, जो करंट आपने एज्यूम किया I5 उसका और करंट सोर्स का डायरेक्शन चेक करना है, सेम है तो प्लस, अपोजिट है तो माइनस लेना है, करेक्ट। अब सेम क्वेश्चन आपको मेश एनालिसिस से भी ट्राई करना है, करेक्ट। सेम क्वेश्चन मेश एनालिसिस से ट्राई करना है, आपको सेम आंसर मिलना चाहिए। सेम यही क्वेश्चन अगर मेश से सॉल्व करते हो तो नंबर ऑफ मेशेस कितना आएगा, 3 मेशेस आएगा। सो 3 मेश करंट क्लॉकवाइज में एज्यूम करोगे, यहां पर कौन से टाइप का क्वेश्चन होगा, ये मेश एनालिसिस का ये कौन से टाइप का क्वेश्चन होगा, नो करंट सोर्स, इंडिविजुअल करंट सोर्स या कॉमन करंट सोर्स, फटाफट रिप्लाई चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में, मुझे फटाफट रिप्लाई चाहिए। ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है, अगर ये मेश एनालिसिस से सॉल्व करते हो तो मेश एनालिसिस में ये कौन से टाइप का क्वेश्चन आएगा, फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई चाहिए फास्ट। यस, कॉमन करंट सोर्स, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, कॉमन करंट सोर्स का क्वेश्चन है ये, तो बताओ ना कैसे सॉल्व करेंगे इसको। कॉमन करंट सोर्स मतलब सुपर मेश हो गया ये तो। सो मेश एनालिसिस से अगर इसको सॉल्व करते हो तो मेश 1 में केवीएल अप्लाई करना पड़ेगा, क्या आएगा इक्वेशन, 5i1 प्लस 6i1 माइनस i2 इज इक्वल्स टू प्लस 20। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स देखो, राइज इन पोटेंशियल है। चलो फर्स्ट मेश का केवीएल इक्वेशन आप लोग लिख सकते हो, सेकेंड एंड थर्ड में देखो कॉमन करंट सोर्स है, यहाँ पर आपने I2 एज्यूम किया है ना, और यहाँ पर I3 एज्यूम किया है, करेक्ट। I2 का डायरेक्शन और करंट सोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है, I3 का डायरेक्शन और करंट सोर्स का डायरेक्शन सेम है। सो यहाँ पर I2 नेगेटिव आएगा, I3 पॉजिटिव आएगा, इज इक्वल्स टू 10, माइनस I2 प्लस I3 इज इक्वल्स टू 10, हो गया सेकेंड इक्वेशन। एंड थर्ड इक्वेशन के लिए क्या करोगे, KVL फॉर आउटर लूप ऑफ सुपर मेशेस। सो आउटर लूप ऑफ सुपर मेशेस में बताओ, 7i2 प्लस 8i3 प्लस 6i2 माइनस i1 इज इक्वल्स टू माइनस 30, करेक्ट, इज इक्वल्स टू माइनस 30। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 वोल्ट देखो फॉल इन पोटेंशियल है। चलो सेकेंड थर्ड इक्वेशन भी हो गया, तीन इक्वेशन आप कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे साइमल्टेनियस इक्वेशन, जिसमें i1, i2, i3 तीन आंसर्स मिलेंगे। फिर करंट फ्लोविंग थ्रू 6 क्या आएगा, करंट फ्लोविंग थ्रू 6, इसमें तो I1 भी जा रहा है I2 भी जा रहा है, तो यहां पर क्या आएगा, करंट फ्लोविंग थ्रू 6 I1 माइनस I2, I1 माइनस I2, आंसर चेक करो आपको यही मिलेगा 4.35 एम्पियर, सेम आंसर आना चाहिए। और इसका प्रैक्टिस कैसे करने का, देखो इस सब्जेक्ट का डीसी सर्किट का प्रैक्टिस कैसे करने का, डेली 1 प्रॉब्लम सॉल्व करने का, ओनली 1, एक से ज्यादा मत करो, बस एक ही प्रॉब्लम सॉल्व करो डेली।
by using mesh analysis, by using node analysis, by using superposition theorem, by using Thevenin's theorem, by using Norton's theorem. 5 methods से solve करना है. One problem, 5 methods. Starting में आपको 1 घंटा लगेगा. Continuously 1 हफ्ता अगर आप लोग practice करते हो तो आपको 1 घंटा लगेगा. 1 हफ्ता practice करने के बाद आपको 45 minutes लगेगा. फिर आपको 30 minutes लगेगा. समझा? मतलब 1 महीना consistently अगर आप लोग practice करते हो daily one problem by using all method, मैं आपको guarantee देता हूँ 20-25 दिन प्रैक्टिस करने के बाद मेश नोडल ये दोनों मेथड आप ओरली सॉल्व करने लगोगे. मतलब एक वर्ड लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. आप लोग सर्किट डायग्राम देखते ही इमेजिन करने लगोगे कि अरे हाँ कहाँ पर केवीएल अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, केसीएल कैसे अप्लाई करना है, सब आप लोग इजीली इमेजिन कर सकते हो. एक वर्ड लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी. ये सभी इक्वेशंस है ना, ये आप लोग दिमाग में ही निकालोगे, डायरेक्ट कैलकुलेटर में टाइप करोगे. इतना आपका कंसेप्ट परफेक्ट होगा. बस आपको कंसिस्टेंटली 20-25 दिन ये डेली वन प्रॉब्लम सॉल्व करना है बाय यूजिंग ऑल मेथड्स. समझा? रात को जब आप लोग सोते हो तो सोते वक्त ही नोटबुक में एक पेज पर डायग्राम ड्रॉ करके रखने का, करेक्ट, और सो जाने का. सुबह जब आप लोग उठोगे, 7 बजे जब आप लोग उठोगे, तो सबसे पहले कुछ करने का नहीं, ब्रश वगैरह कुछ नहीं करने का, वो पहले नोटबुक जो आपने सिर के साइड में रखा है ना सोते टाइम, वो लेने का, ब्रश वगैरह कुछ नहीं करने का, नोटबुक लेके सॉल्व करने का. मेश एनालिसिस बाय यूजिंग नोडल, बाय यूजिंग सुपरविजन, थेवेनिन, नॉर्टन. समझा? कसम खाने का, फुल डेडिकेशन होना चाहिए. देखो, नहीं तो हाँ करेंगे, देखेंगे, चलो बाद में देखते हैं, आज मेश ही कर लेते हैं, 2-3 दिन के बाद नोडल कर लेते हैं. अगर ऐसा एटीट्यूड है सो प्लीज़, बहुत मतलब ऐसा इंजीनियरिंग करके कुछ फ़ायदा ही नहीं है रे. फिर समझ में आ रहा है? आप लोग भले ही इंजीनियर हो जाओगे लेकिन वो काम चला हुआ इंजीनियर होगा. हाँ चलो कुछ नहीं आ रहा, हाँ चल, मतलब आपको फिर जॉब भी वैसे ही मिलेगा. समझो? मतलब आप 100 लोगों में से ऐसा दिखोगे ही नहीं. मीन्स हाँ चलो, हाँ इसने भी इंजीनियरिंग कर लिया है. सब लोग का फिर आपका देखने का जो नज़रिया है, आपकी तरफ देखने का, वो ऐसा कॉमन ही रहेगा. स्पेशल ऐसा कुछ नहीं रहेगा फिर आप में. समझा? सो फुल डेडिकेशन के साथ आपको इंजीनियरिंग करना है. ओके चलो, कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाई चाहिए. आज हमने नोडल एनालिसिस कंप्लीट किया. समझा सबको? नोडल एनालिसिस के लिए हमने केसीएल अप्लाई किया है. कमेंट सेक्शन में फटाफट रिप्लाई चाहिए. और आज स्टार्टिंग में थोड़ा लेक्चर लेट स्टार्ट हुआ, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला भी, आपको थोड़ा गाने का आवाज़ भी आ रहा होगा. मेरे घर के साइड में एक दो घर छोड़ के शादी है, परसों शादी है. मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था कि थोड़ा लाओ, साउंड थोड़ा कम रखो. उन्होंने एक्सेप्ट भी किया, लेकिन बहुत लोग हैं, वो पहले से ही एकदम जोश में है, तो बोले कि सर थोड़ा जल्दी करो, इसलिए थोड़ा स्टार्टिंग में लेट हुआ. सो नो प्रॉब्लम, कल हम लोग टाइम पर स्टार्ट करेंगे. ओके यस तमन्ना, अभिषेक, थैंक यू वेरी मच. आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं कॉलेज में, जो आपके फ्रेंड्स बने हैं, फटाफट उनको भी अटेंड करने के लिए बोलो. ये सभी लेक्चर्स उनको भी अटेंड करने के लिए बोलो. कॉलेज का कुछ व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बना है क्या? नहीं, कॉलेज के जो आपके फ्रेंड्स हैं उस व्हाट्सएप ग्रुप पर इस लिंक को फॉरवर्ड कर देने का, ताकि वो लोग भी ये लेक्चर अटेंड कर सकें. ओके चलो, सो थैंक यू वेरी मच. थैंक यू, आज का लेक्चर स्टॉप करते हैं. केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी हम लोग, एक्चुअली ये दिवाली आ गया था लास्ट वीक में, इसलिए वो शेड्यूल नहीं कर पाए थे. इमीडिएटली हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री के ऊपर भी काम शुरू करने वाले हैं. अभी तो ये 3 सब्जेक्ट है, मैकेनिक्स है, मैथ्स एंड BEE. बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री के ऊपर भी हम लोग जल्दी से जल्दी काम शुरू करने वाले हैं. ओके सो थैंक यू वेरी मच अभिषेक, तमन्ना और भी बाकी लोग जो लोग रिप्लाई नहीं दे रहे, उनको भी थैंक यू. फिटनेस मसल्स